नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की बातें मैं शुरू करूं इससे पहले मुझे मैथिली शरण गुप्त की चंद लाइनें याद आ रही हैं। विचार लो कि मृत हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु या मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु मृत्यु तो वृद्धा मरे वृद्धा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवित्र है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही करके दिखाया है राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पासा ने। M.R. पासा के द्वारा नए वर्ष के मौके पे दिव्यांग, गरीब व विधवा को कुछ तोहफा दिया जाता है, तो इसी के बारे में दोस्तों मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पासा द्वारा नए साल के मौके पर विकलांगों, विधवा, गरीबों, बेसहारा लोगों की मदद की जाएगी। दोस्तों, ज़रूरतमंदों को M.R. पासा जी द्वारा कंबल, रजाई एवं उपकरणों का वितरण किया जाएगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पासा अपना पूरा जीवन विकलांगों, गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। वह खुद विकलांग हैं और इसलिए विकलांगों का दर्द बखूबी समझते हैं। विकलांगों की सेवा करने के लिए ही उन्होंने शादी तक नहीं की। दिव्यांगों की मदद करने के लिए वह हर संभव ईमानदारी और गंभीरता से प्रयास करते हैं। जहां गैर विकलांगों के द्वारा विकलांग संगठन व पार्टी बनाकर चंदा एकत्र कर धन का दुरुपयोग किया जाता है, वहीं M.R. पासा अपनी जेब और अपने परिवार के सहयोग से हर साल लिहाफ, कंबल, सिलाई मशीन, ट्राई साइकिल, कैलिपर्स, व्हीलचेयर, वैसाखी व अन्य उपकरण निशुल्क बांटते हैं। इस कार्य में कोई उनके द्वारा भेदभाव नहीं किया जाता है। इस तरह का आयोजन उनके द्वारा हर साल किया जाता है। इस बार भी वह जनवरी माह में लाखों रुपए का सामान बांटेंगे। M.R. पासा का कहना है कि वह ऐसा करके किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं। और उनका मानना है कि विकलांगों, गरीबों का मैंने खुद दर्द महसूस किया है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी खुशी बांटने की एक कोशिश करता हूं, जिससे कि मुझे दिली सुकून मिलता है। तो दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पासा हैं, दिव्यांगों और गरीबों, बेसहारों का दर्द बखूबी समझते हैं और हर वर्ष दिव्यांगजनों को नए साल के मौके पे उनको तोहफा के रूप में कुछ सामान और कुछ उपकरण और कुछ जो ज़रूरी सामान है इस जाड़े के मौसम में, जैसे कि कंबल, रजाई, इस तरह के सामान और उपकरण, जो सहायक उपकरण हैं जिसको कि दिव्यांगजनों को चलने फिरने में जो मदद करते हैं, M.R. पासा द्वारा नए साल के मौके पे हर वर्ष दिव्यांगजनों को दिया जाता है। तो दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस बार भी राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पासा द्वारा नए साल पे दिव्यांगजनों व गरीबों को तोहफा देने का कार्यक्रम किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि ये कार्यक्रम बिजनौर में होगा और जो लोग भी राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से जुड़े हैं और जो लोग M.R. पासा जी को जानते हैं और जिनको ज़रूरत है इस तरह के उपकरण की और इस तरह के सामानों की जिनको आवश्यकता है, तो वो इस मौके पे पहुंच के और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि एक बार मैं दोस्तों फिर बता देता हूं कि राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.R. पासा द्वारा नए साल के मौके पे एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि ज़रूरतमंदों की मदद की जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।